चंदा प्रभु भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज की, आचार्य सरस्वती सागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव नक्षागर महाराज की, आचार्य गुरुदेव नक्षागर महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, त्रितला समेत शिखर की, दर्द आंखों में उतर आए तो रो लेता हूँ, तुम ख्यालों में आते हो तो खो लेता हूँ, दर्द आंखों में उतर आए तो रो लेता हूँ, याद में तुम्हारी नींद नहीं आती गुरुवर, याद में तुम्हारी नींद नहीं आती गुरुवर, तुम सपनों में आओगे जरूर यह सोच कर सो लेता हूँ, तुम सपनों में आओगे जरूर यह सोच कर सो लेता हूँ। विराट सागर महाराज की, आपने मुस्कुराना सिखा दिया, आप मुस्कुराए जैसे अंधेरी में दीपक जला दिया, हम कुछ न कह सके वो खुद ही समझ, जिनने हमको बंद किया था वो भी हो गए बंद, जेल में सासों आटा पीसे साथ में छोटी नंद, जेल में सासों आटा पीसे साथ में छोटी नंद, बिखर गई दिया सलाई,
पिया की हुई दुलाई बिखर गई दिया सलाई पिया की हुई दुलाई। तो इस प्रकार जैसे जैसे उसके भाइयों ने उसका पालन पोषण किया और जैसे बड़ा हुआ जहां भी कुछ करता हुआ असफलता मिलती कुछ भी व्यापार नहीं कुछ भी काम नहीं कर पाता है और जैसे जैसे बड़े भाई ने अपनी जो है वहां पर काम पर लग लिया उसके लिए और जो है बड़ा अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखता था और जैसे उसकी जो है महीना या हफ्ता पूरा होता उसके लिए सबसे ज्यादा अन्य लोगों से ज्यादा उसको वेतन दिया जाता था उसके लिए उस वेतन के रूप में अनाज दिया जाता था और वो अनाज को लेकर के घर आता है और घर आता है तो मुट्ठी भर अनाज बचता है पोटली भर के दिया था उसको लेकिन मुट्ठी भर बचा क्योंकि उसके पुण्य में छेद था उसके उस कपड़े में छेद था और छेद में उठे हुआ अनाज गिरता गया गिरता 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 गया मुट्ठी भर बचा। किस कारण से? क्योंकि उसी मंदिर की जो है वस्तु को यूज किया था मंदिर की द्रव्य को भक्षण किया था। ध्यान रखिए हमारे लिए जो है कभी भी मंदिर की वस्तु में यूज नहीं करना चाहिए और यूज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्रतिदिन याद है उसका एविल में दान जरूर करना चाहिए तभी जो है उसका पुण्य लगेगा अन्यथा जो है आप सुस्त जरूर रहेंगे। तो हम तो बहुत पूजा कर रहे हैं बहुत डेली अभिषेक कर रहे हैं डेली शांति धारा कर रहे हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। ध्यान रखिए उसमें आपको जो है लाभ मिलेगा। आप जो है भली आपकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार आप जो है यदि आप अभिषेक करना चाहें भैया हम जो है आज हम जो है हम अभिषेक करेंगे और हमारे लिए हमारी तरफ से 100 रुपया मंदिर के लिए आइए जो भी 500 के लिए जितनी शक्ति शक्ति से कम भी नहीं शक्ति ज्यादा नहीं। मैंने एक भी एक दिन बोल दिया था ना कि संबीर शिखर के लिए जो है ध्यान रखिए मैं कहता हूँ दान देने के भाव से होंगे जिसका भाग भाग्यशाली पुण्यशाली का जो पुण्यशाली नहीं होगा उसके दान देने के भाव नहीं होंगे। ध्यान रखना और जिसका पुण्य का पैसा होगा वो ही दान दे पाएगा जिसका पाप का पैसा होगा छल कपट मायाचारी पाप इसके पैसा कमा रहा हुआ और पाप का पैसा कमा रहा है पास पाप की ही उठाता है कहते जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन जैसा पिएगा पानी वैसी होगी पानी की। यदि आपने भोजन अशुद्ध किया आपने सुना हुआ एक कहावत आदि शास्त्र में बोलने मिलता है कि एक व्यक्ति ने जो है एक नगर में कोई व्यक्ति छुल्लक जी आए और छुल्लक जी आए तो अब बेचारे आए तो गए अब कोई ने पूछी कि चलो हमारे पड़ा गया जैसे जैसे जब उस व्यक्ति को पता पड़ा एक चोर व्यक्ति था उसके भाव ने क्यों ना छुल्लक जी को अपने घर ले लीजिए हमें किसी भी बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना है बिना जैसे खाएंगे अन्न वैसा हमारा बोले आज व्यक्ति जो है पेट नहीं भरना चाहता है पेट ही भरना चाहता है। ध्यान रखना पेट भरने की बात और ऐसी बेटी भरने भर तो लोगे बोले आचार भगवान कहते हैं आपने पाप करके जो है पैसा कमा तो लिया आपने पाप से कमाया और पाप में ही लगा दिया और इससे बोले वह अपनी आजीविका के लिए जो है व्यापार आदि करते हैं और व्यापार करते हैं तो यदि उनका एक संकल्प होना चाहिए कि यदि जो हम अपने जो आमदनी के कम से कम प्रतिदिन की हमारी आमदनी के जो है कम से कम जो है 17% आता है कम से 10% कुछ तो जो है वह दान करें ये उनका जो है कर्तव्य होता है जिससे
जिससे कि जो हमारे जो है दोष लग जाते हैं उन दोषों को धोने के लिए वह सहकारी होता है। तो मैं बोल रहा था कि दान जो है हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन शक्ति के अनुसार, शक्ति से कम भी नहीं। शक्ति तो मैं बोल रहा था शक्ति से जो है आप बहुत से लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वो मतलब हिम्मत करके जो है उनके भाव बन जाते हैं कि इतना ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी शक्ति बहुत होती है लेकिन वो करते नहीं है। फिर तो वही होता है कि जो है क्या बोलते हैं बोले Thank you.
कोई लाभ नहीं होगा। क्या होगा? उसका कोई लाभ नहीं होगा। आपको जो है उस शास्त्र का अभ्यास करने के बाद पर बोले हमें उस पर संधान भी करना है और उसका आचरण भी करना है, तभी उसका लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होने वाला है। बोले कहने को तो जो है तोता भी खूब कहता है, चित्तकूटी क्या बोलता है, चित्तकूटी दूर रोटी आदि क्या बोलता है, वो भी कुछ ही रटता रहता है, लेकिन उसके रटने मात्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। बोले लड्डू लड्डू बोल दे मुख ना चखे स्वाद, पानी पानी बोल दे मिटती नहीं प्यास। बोले आप लड्डू लड्डू बोलते रहिए, आपको मुख में उसका स्वाद नहीं आएगा, मिठास नहीं आएगी। यदि लड्डू की मिठास लेना है तो केवल बोलना नहीं है, उसको क्या करना है, उसका सेवन भी करना है। और इस सेवन करने के कोई संतान भी होना चाहिए कि लड्डू खाएंगे तभी मिठास आएगी, बिना लड्डू खाए मिठास आने वाली नहीं है। तो लड्डू के बारे में जानकारी होना चाहिए, लड्डू खाना भी चाहिए, तभी वह उस पर श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो उसी प्रकार में हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों पर हमें श्रद्धा भी होना चाहिए और शास्त्र पढ़ने के बाद उसको जो है आचरण में भी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेते, अनेक ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। वही क्रोध, वही मान, वही मायाचारी, वही लोभ, वही हिंसा, वही झूठ चोरी झील परिग्रह, वही इंद्रियों में आसक्ति, विषयों में आसक्ति, भोगों में आसक्ति। आपने स्वाध्याय किया, इतना शास्त्र का अभ्यास किया, लेकिन फिर भी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपने केवल केवल उसको पढ़ा ही है, उस पर श्रद्धा नहीं किया, उस पर जो है आचरण नहीं किया, इसलिए जो है उसका कोई फल नहीं। बोले उसको पढ़िए भी, बोले कब पढ़िए कब सुनो, लेकिन जितना सुनो उसको उतना उस पर श्रद्धा करो और उतना उसको जीवन में उतारिए। आपने घंटों घंटों शास्त्र पढ़ा, लेकिन जब उसका निचोड़ देखा कि जीवन में क्या उतारा, तो बोले एक कुछ भी नहीं उतारा। बोले कुछ भी नहीं उतारा तो जो है आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। एक बार एक पति पत्नी थे, पत्नी धर्मात्मा थी और पति धर्म से दूर रहते थे, धर्मात्माओं से दूर रहते थे, परमात्मा से और गुरुओं से भी दूर रहते थे। पत्नी ने उनको बहुत समझाया, ध्यान रखना जो पत्नी है अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर लगाती है, अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाती है, वो ही धर्म पत्नी होती है, और जो धर्म के मार्ग पर ना लगाए तो वो तो कर्म पत्नी है। क्या है? कर्म पत्नी। तो वह धर्म पत्नी थी, वह बार बार पति को समझाती थी, बार बार उसको बताती थी भैया हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन पति नहीं करती। प्रेम से समझाया, गुस्से से भी समझाया, हर प्रकार से कुछ भोजन आदि छोड़कर भी कहा।